हेलो गाइस, मैं खुशी को आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। चलती ट्रेन में एक सैनिक ने एक लड़की की बचाई इज्जत, और जो उसके बाद जो हुआ पूरा मंजर आप जान के काफी ज्यादा हैरान रह जाएंगे, दंग हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। काफी ज्यादा खौफनाक है, और अगर वो सैनिक वहां पर नहीं होता तो उस लड़की की इज्जत लुट चुकी होती। तो चलिए जानते हैं इस मामले के बारे में, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। एक गोरखा सैनिक एक्चुअली ट्रेन में सफर कर रहा था, और उसका नाम है विष्णु। और विष्णु एक्चुअली जब बैठा था तब उस दौरान ही वो विंडो सीट पे बैठा था और देख रहा था वो बाहर के नजारे। आप लोगों को पता है जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तब उस दौरान आप बाहर के नजारे देखने काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये भी वैसी सब चीजें कर रहा था। और उस दौरान अचानक से ही किसी ने ट्रेन का जो चैन है, जो इमरजेंसी चैन रहता है, उसको खींच दिया। और जब अचानक से गाड़ी रुक गई, रुकने के बाद उसके अंदर ढेर सारे ऐसे लुटेरे घुस आए। आज के जमाने में भी ये सब चीजें होता है। एक्चुअली जो मामला मैं आपको बता रही हूँ, सितंबर में स्टार्ट हुआ। अचानक से ही 40 लुटेरे उस ट्रेन में आ धमके थे, और वो लोग दूसरे सब लोगों के साथ काफी ज्यादा मिसबिहेव कर रहे थे। लोगों को मार रहे थे, और उनकी ज्वेलरी छीन रहे थे, उनका लैपटॉप छीन रहे थे, उनको धमका रहे थे, उनके पास बंदूकें थे, और ये 40 थे, और सब लोगों को डरा के सहमा के बैठा के रखा हुआ था। और उस दौरान उनके पास जितनी भी चीजें थी वो सब चीजें लूट रहे थे। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी, मतलब कि पहले जमाने में ऐसा होता रहता था और डाकू आते रहते थे। पर ये अभी सितंबर का जस्ट रिसेंटली 2019 का ये मामला है, जहां पर इतना बड़ा वाला ये खौफनाक ये मंजर देखने के लिए सामने ऐसा देखने के लिए मिल रहा था जैसे कि शोले मूवी सामने शूट हो रही हो। और उसी दौरान विष्णु नाम का एक जो बैठा हुआ था उसको भी डरा के धमका के उससे पैसे और सब चीजें उसको खींच रहे थे, और उसने भी वो भी चिल्ला रहा था, डर रहा था, ऐसे करके वह सब चीजें कर रहा था। और उस दौरान उसी के सामने वाली सीट पे एक मियां बीवी और उनकी 18 साल की एक बेटी वहां पर बैठी थी, और उसके ऊपर उन लुटेरों का आंख पड़ा। और उनसे ना तो उन्होंने कोई ज्वेलरी ना कुछ मांगा, और लड़की को अपने साथ लेके जाने के लिए उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, और लड़की काफी ज्यादा रोने लगी। और उसी वक्त वहां पर सबके सामने ही वो लुटेरे उस लड़की के साथ मिसबिहेव करने लगे। ये चीज जब विष्णु ने देखी, तब विष्णु एक्चुअली जब उसके पास एक ऐसा कटार था कि उसने निकाला और उस लड़की के सामने ढाल बन के सामने खड़ा हो गया। और इस दौरान वो जो लुटेरे थे वो लोग इसको मारपीट करने लगे विष्णु को, पर विष्णु ने टस से मस नहीं हुआ। उसने पहले एक लुटेरे को चाकू मारा, और उसके बाद बाकी जितने भी आए उनको बस मारता रहा। इस पूरी लड़ाई में ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक मूवी का क्लाइमैक्स सीन चल रहा हो। और उसी दौरान मारते मारते उसको विष्णु को भी हाथ पे लगी, और बहुत जोर से, और उस दौरान काफी सारे जो लुटेरे थे वो घायल हुए और वहां पर पड़ गए, और बाकी जो डर के भाग गए। और वहां पर विष्णु ने एक 18 साल की लड़की की जान बचा ली। और उस दौरान ही जब आगे स्टेशन पर जब इस ट्रेन को रोका गया, जब सबको सूचना मिल गई कि एक्चुअली ये सब चीजें हो रही हैं, तब वहां पर अधिकारी वहां पर आके रुके। और रुकने के बाद वहां पर जब विष्णु को देखा गया, तब विष्णु को काफी ज्यादा सम्मानित किया गया, और काफी सारे लोग विष्णु की इतनी ज्यादा जम के तारीफ कर रहे थे। और जब दूसरे लुटेरे जो वहां पर पड़े थे उनको गिरफ्तार किया गया है, और उनको उनकी भी ट्रीटमेंट करवाई गई है, और करवाने के बाद उनके पास जो जख्मी पड़े थे वहां पर वो भाग नहीं पाए थे, और उन लोगों से जो भी ज्वेलरी, जो भी पैसा, जो भी लैपटॉप जो था वो बरामद किया गया और जनता को दे दिया गया है। और उसके बाद जो लड़की थी, लड़की के परिवार वालों ने इस विष्णु को कुछ देना चाहा अपनी खुशी से, पर उन्होंने ये चीज बोला कि मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ और मेरा धर्म बनता है मैं अपने पूरे जनता की, मैं अपनी पूरी महिलाएं जितनी भी है, मेरी बहनें हैं, मैं उनकी इज्जत बनूं और ऐसी ढाल बन के मैं उनके सामने खड़ा रहूं, और मैंने अपना फर्ज निभाया है, मुझे इसका कोई पैसा नहीं चाहिए। इस फर्ज को पैसों के साथ मत तोड़िए। और उसके बाद वो माँ बाप भी काफी ज्यादा खुश हुए, और उसके बाद विष्णु को 2 अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया। और उसके बाद वो अभी उनको हॉस्पिटल वैसे पहचान दिया गया था इस केस के बाद, और अभी वो एकदम ठीक है अपने घर पे, और अपनी सेना के प्रति वो जितना लगाव दिखा रहे थे वो उतने ही अभी भी दिखाते हैं, और उनका नाम सच में काफी ज्यादा ऊपर हो गया। हम विष्णु को सैल्यूट करते हैं। आप क्या करना चाहेंगे ऐसे आदमी को जो कि मतलब कि रियल हीरो है, जिसने सच में मतलब कि मूवीज वगैरह में तो आप मतलब कि देखते स्टंट वगैरह कर रहे, स्टंट मैन होते, ये होते, वो होते, पर इसमें सच में ये सच करके दिखा दी, क्या बोलेंगे विष्णु के बारे में? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ लाइक ठोकते जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।